गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? होप यू ऑल आर फाइन। बेटा, यस्टरडे वी रीड लेसन नंबर 3। इन दिस लेसन वी रीड नेचुरल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट। हम नेचुरल फैक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे कि कौन से नेचुरल फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, नेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ विंड्स हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट है हमारा हाइट अबव द सी लेवल। ठीक है, कि सी लेवल यानी कि समुद्र का जो स्तर होता है उससे जो ऊपर हाइट होती है, अगर हाइट ऊपर होती जाती है यानी ऊंचाई पर जाते हैं हम, तो वहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है यानी कि वहाँ की क्लाइमेट कैसी होगी। द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट अबव द सी लेवल। द टेम्परेचर डिक्रीज यानी कि टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाता है यानी कम हो जाता है जब हम सी लेवल से ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं। सम प्लेसेस लाइक ऊटी इन साउथ इंडिया आर कूलर देन अदर्स दो दे आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। जैसा कि कुछ प्लेस है, जैसे कि ऊटी है साउथ इंडिया में, वो ठंडा है बजाय औरों के अपेक्षा जिनकी दूरी जो है वो इक्वेटर से समान है। यानी कि इक्वेटर से कुछ प्लेसेस और हैं जिनकी दूरी समान है ऊटी के बराबर, लेकिन ऊटी ज़्यादा ठंडा है क्योंकि वो सी लेवल से ज़्यादा ऊंचाई पर है। दिस इज़ ड्यू टू हाइट अबव सी लेवल। यह इसी कारण से होता है क्योंकि सी लेवल से उसकी जो हाइट है वो बहुत ऊँची है। फॉर एग्ज़ाम्पल द टेम्परेचर एट शिमला, शिमला का टेम्परेचर लेते हैं, बोथ इन विंटर एंड समर इज मच लोअर देन दैट एट लुधियाना इन पंजाब। कि जो शिमला का टेम्परेचर है बेटा, वो विंटर में भी और समर में भी मच लोअर यानी बहुत कम रहता है वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ ठंडा रहता है हमेशा, बजाय किसके, लुधियाना के जो पंजाब में स्थित है। दो दे आर ऑलमोस्ट एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, क्योंकि लेकिन दोनों की जो इक्वेटर से जो दूरी है बेटा वो सेम है, लेकिन फिर भी शिमला का जो टेम्परेचर है वो विंटर और समर दोनों में ही क्या रहता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन रहता है, लेकिन लुधियाना का ऐसा नहीं रहता क्योंकि जो शिमला है बेटा वो समुद्र तल से सी लेवल से जो समुद्र का स्तर है वो उससे बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है, लेकिन लुधियाना ज़्यादा ऊंचा नहीं है। ठीक है, दिस इज़ ड्यू टू द लोकेशन ऑफ शिमला। ये किसके कारण होता है, अभी बताया कि जो शिमला की लोकेशन है वो एट अबाउट 2150 मीटर्स अबव सी लेवल। जो शिमला की जो हाइट है बेटा वो समुद्र सी लेवल से 2150 मीटर है, वेयर एज लुधियाना इज ओनली 250 मीटर्स अबव सी लेवल। लेकिन लुधियाना की जो हाइट है वो कितनी है बेटा, 250 मीटर्स अबव सी लेवल। समुद्र के जो स्तर से लुधियाना की जो ऊंचाई है वो 250 मीटर्स है, बट शिमला की कितनी है, 2150 मीटर्स। अब देख के ही समझ में आ रहा है कि शिमला इतनी ऊंचाई पर है और जो लुधियाना है वो इतनी ऊंचाई पर है, तो कौन सा, जितना ज़्यादा ऊंचा हम होते जाएंगे बेटा उतना टेम्परेचर जो है वो डाउन होता जाएगा। ठीक है बेटा, इसीलिए शिमला में ठंड रहती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओशियन करंट्स, समुद्री धाराएं, करंट्स होते हैं बेटा धाराएं। दीज आर द फ्लो ऑफ वाटर बिलो द सरफेस ऑफ द ओशन वाटर। यह पानी में जो बहने वाली, समुद्र के पानी की सतह पर जो बहने वाली धाराएं होती हैं, जो समुद्र का पानी होता है बेटा उसकी सतह पर, उसकी सतह से नीचे, तो वहां पर जो पानी की जो धाराएं बहती हैं उसी को कहते हैं ओशन करंट्स। दे अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ प्लेस ऑफ अ प्लेस एज दीज करंट्स मे बी कोल्ड और वार्म। ये अफेक्ट करती हैं एक स्थान की जलवायु को। कौन अफेक्ट करती हैं बेटा, ओशन करंट्स। ठीक है, ये अफेक्ट करती हैं किसी स्थान की जलवायु को। एज दीज करंट्स मे बी कोल्ड और वार्म, ये करंट्स यानी कि ये जो धाराएं हैं बेटा
ये कोल्ड भी हो सकती है और वार्म, यानी ठंडी भी हो सकती है और गर्म भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, द गोल्फ स्ट्रीम स्टार्टिंग फ्रॉम द गोल्फ ऑफ मैक्सिको फ्लोज टुवार्ड्स द आर्कटिक ओशन. एज अ रिजल्ट मुर्मांसक हैज बिकम एन आइस फ्री पोर्ट थ्रू आउट द ईयर. जो गोल्फ स्ट्रीम है, यानी कि गोल्फ स्ट्रीम स्टार्टिंग फ्रॉम द गोल्फ ऑफ मैक्सिको फ्लो, जो मिस्र की खाड़ी है, यानी कि जो मैक्सिको की खाड़ी है बेटा, वहाँ से मैक्सिको की खाड़ी से शुरू होने वाली जो धाराएं हैं, गल्फ स्ट्रीम है बेटा, वो आर्कटिक महासागर की ओर बहती हैं, आर्कटिक ओशन की ओर बहती हैं. कहाँ से? जो मैक्सिको की खाड़ी से शुरू होती हैं गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, वो कहाँ बहती हैं? आर्कटिक स्ट्रीम से. इसीलिए क्या होता है कि जो मुर्मांसक है, जो वो वहाँ पर क्या होता है बेटा, मुर्मांसक एक पोर्ट का नाम है, बंदरगाह. पोर्ट मीन्स बंदरगाह, यानी जहाँ समुद्री जहाज आकर रुकते हैं. वहाँ पर पूरे साल बर्फ नहीं होती, वहाँ पर क्या होता है, पूरे साल बर्फ नहीं होती, इसलिए वो आइस फ्री पोर्ट है. पूरा वर्ष वहाँ पर बर्फ नहीं होती, इसीलिए समुद्री जहाज वहाँ पर आकर रुकते हैं, ठीक है बेटा. नेक्स्ट इज क्लाइमेटिक जोन्स ऑन ऑफ द अर्थ. धरती के क्लाइमेटिक जोन कौन कौन से हैं? द एंटायर अर्थ कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 क्लाइमेटिक और हीट जोन्स. पूरे धरती को, पूरी धरती को बेटा 3 क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया गया है. उसे हीट जोन भी कहते हैं. हीट जोन जहाँ पर सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, यानी कि बहुत डायरेक्ट पड़ती हैं, इसीलिए उसे हीट जोन का नाम दिया गया है. अब हीट जोन किस पर डिपेंड करता है? डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर. हीट जोन डिपेंड करता है टेम्परेचर पर एंड रेनफॉल रिसीव्ड इन एरियाज, और वहाँ की रेनफॉल पर कि उस क्षेत्र में रेनफॉल क्या, कितनी है, कैसी है. विद इन दोज रिसीव्ड इन एरियाज विद इन दोज जोन, इन एरिया में कैसी है रेनफॉल और उसके टेम्परेचर पर ये जोन डिपेंड करते हैं. दीज जोन्स आर फॉलो. तो जो अलग अलग प्रकार के जोन्स हैं, जिनको हमने थ्री डिवाइडेड इंटू 3 क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया हुआ है, तो उनके नेम है बेटा टॉरिड जोन, सेकंड इज टेम्परेट जोन एंड थर्ड इज फ्रीजिड जोन, ठीक है. तो इन जोन के बारे में हम कल पढ़ेंगे. अभी आप सभी बेटा क्या करेंगे, सारे जो नेचुरल फैक्टर्स हैं उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है बेटा. ओके, हैव ए नाइस डे बेटा.